मुंबई हाई कोर्ट में जी एंटरटेनमेंट प्राइज ने इन्वेस्को के खिलाफ एक अपील दायर की थी जो इन्वेस्को के पक्ष में रहा है। इसी के साथ इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड ने अपनी मांग वाली नोटिस को भी वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल पूरा मामला सितंबर 2021 का है। इन्वेस्को ने जी के बोर्ड डायरेक्टर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि EGM बुलाने का अनुरोध किया था और जी के बोर्ड से MD एवं CEO पुनीत गोयनका सहित 3 अन्य डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी। इन्वेस्को का ये भी कहना था कि उसे नहीं लगता कि कंपनी जितनी सहजता से चलनी चाहिए उतनी सहजता से चल रही है। इसके बाद जी ने अपील पर कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद इन्वेस्को ने मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के सामने एप्लीकेशन दायर किया था, जिसमें जी को कानून के तहत अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद जी हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां उसने घोषणा किया कि इन्वेस्को द्वारा EGM बुलाने के लिए की गई मांग की नोटिस गैर कानूनी और अवैध है। जस्टिस गौतम पटेल ने अक्टूबर 2021 में एक सिंगल बेंच EGM बुलाए जाने पर रोक लगाने का अंतिम निर्देश दे दिया। इसके बाद इन्वेस्को ने इस आधार पर अंतिम रोक के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। यह मामला हाई कोर्ट के आधार क्षेत्र में नहीं आता और उसे NCLT द्वारा सुना और उस पर फैसला दिया जाना चाहिए, जिसके बाद 22 मार्च को बम्बई हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने इन्वेस्को के पक्ष में फैसला देते हुए इन्वेस्को को EGM बुलाने की मांग को कानूनी रूप से सही करार दे दिया। इन्वेस्को ने यह भी कहा कि वह जी के साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया यानी के SPN के प्रस्तावित मर्जर का समर्थन भी करता है। आपको बता दें कि जी एंटरटेनमेंट प्राइज कंपनी में इन्वेस्को की हिस्सेदारी 18% की है। इस खबर के बाद गुरुवार को बाजार खुलते ही जी के शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया और शेयर का भाव 300 रुपए के ऊपर पहुंच गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।